Hello, so hi everyone. Am I audible? Yes, sir. hello. Okay, okay. Okay, is the screen visible now? Screen proper visible? Eh? Or no, sir. No, no, uh, I can see the cursor. But... Okay, okay. Yeah, no problem. Yes, ओके सो गैप तो हम लोगों का दो सेशन का एक्स्ट्रा चला गया है मीन्स हॉलीडे रहा मुझे थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा था तो उस वजह से अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ लास्ट सेशन आई थिंक हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यूजर एनवायरनमेंट सेटअप ओ यू सेटअप और डीसी एडीसी जैसे सेटअप और सारी चीजों को लेकर डिस्कस किया था एंड द पावर ऑफ डी सी डोमेन एंड दावर ऑफ सी डी सी सम अदर कंपोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज तो काफी uh, लंबा समय हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज को दिया स्टिल हम लोग एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे अभी कई बार इसके प्वाइंट्स uh, हम लोग कवर करेंगे ओके okay? तो मैं आ जाता हूं यहाँ पर अभी हमारे पास जो भी लैब है उसमें हमें एक सर्वर चाहिए होगा और एक हमारे पास क्लाइंट चाहिए होगा जो कि हमारे पास ये है मशीन लाइव कर लेता हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है अभी हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल और दिस इज सर्वर वन सो आई थिंक सभी लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया हाउ टू ज्वाइन डोमेन फ्रॉम क्लाइंट मशीन आर फ्रॉम एंड पॉइंट डिवाइस एंड हाउ टू ज्वाइन डी सी सी डी सी एडीसी फ्रॉम वर्क ग्रुप मशीन सभी लोगों का प्रैक्टिस हो गया ओके तो आए कि उन्हें सभी लोग चलिए तो थोड़ा सा इसका एक पार्ट रह गया है वो हमें डिस्कस करना है एंड यस uh, yes. ये. जो कि एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओके सो वॉट इज एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इट्स अ कंसोल आ डैशबोर्ड वे आर सर्वर इंजीनियर कैन मैनेज मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड ओके and administrative center provide advanced label dashboard to manage these all things okay like you can manage active uh, you can manage users you can manage groups with the help of active directory user and computer but administrative center provide advanced dashboard to manage these all things and it it is a centralized portal or centralized management it is a centralized dashboard right where you can manage multiples of things from a single dashboard तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं आई थिंक ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकल बिल्कुल डन लगेगा क्योंकि सेम लैब हम लोग कर चुके हैं जस्ट एक नया कंसोल हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट हम लोगों ने आई थिंक यूजर बनाया था ग्रुप बनाया था अलग अलग और यूजर को मैंने लॉग भी किया था क्लाइंट मशीन पर और मैंने कौन से यूजर को लॉगिन किया था उसको भी चेक कर लेते हैं तो एडम नाम का एक यूजर है उसको मैंने लॉगिन किया था और एडम किधर है आप इधर देख सकते हो टेक्निकल टीम में एक एडम नाम का यूजर है तो इसको मैं जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूं अलाउ कर रखा हूं, राइट लॉग करा रखा हु तो अब हम लोग ये जो अलग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर मैनेज कर रहे थे ऐसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मैनेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर मैनेज करेंगे तो एडमिन सेंटर को कभी किसी ने इस्तेमाल किया है आप में से नहीं, नहीं? देखो जब भी आप अपना सर्वर मैनेजर ओपन करोगे और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन के बाद आर प्रमोटिंग योर सर्वर एज ए डीसी और आर सी डी सी एडीसी you will have an access of active directory administrative center this option right after dc or domain आपका dc या डोमेन आपको बनाना पड़ेगा ओके okay? तो इसको बना लेने के बाद अब इधर आप देख सकते हो कि आप सिंगल डैशबोर्ड से मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स मैनेज कर सकते हो मैं फॉर रेफरेंस इसको एज अ वर्ड फाइल कंसीडर करता हूं वर्ड फाइल में ऐड कर लेता हूँ ये डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड से आप सिंपल देख सकते हो ओवरव्यू है वेयर यू कैन मैनेज रिलेटेड यूज एंड एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू मैनेज आईटी टास्क जो भी आईटी के टास्क हैं वो सभी आप इधर मैनेज कर सकते हो यूज एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पार्सेल पार्सल के मॉड्यूल्स को आप मैनेज कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल रिलेटेड एक्टिव डायरेक्टरी फॉरम एंड डिप्लॉय डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल डैक जिसको बोलते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस यहाँ पर आपको एक सिंगल डैशबोर्ड से मिल जाता है आप मल्टीपल थिंग्स यहाँ से मैनेज कर सकते हो इवन देन यू कैन रीसेट योर पासवर्ड रिलेटेड एनी यूजर ओके यहाँ पर उसका प्रोसेस दिया हुआ है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बाकी है ओके मैं एक मिनट बस होल्ड रखिए आया ओके सो कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ लाइक सेटिंग्स आपको सिंगल डैशबोर्ड से मिल जाता है हमें अपने पॉइंट्स को मैनेज करना है तो मैं यहाँ से माई लैब डॉट कॉम पर आ जाऊंगा और जो भी मैंने डोमेन प्रमोट किया था यहीं से हमें सारा काम करना है आप इस पर माउस पॉइंटर होल्ड करके रखेंगे तो आप अपने डोमेन की कंप्लीट डिटेल देख पाएंगे विच इज माई लैब डॉट कॉम एंड कनेक्टेड टू डीसी डॉट माई लाइफ डॉट कॉम सर्वर ये हमारा सर्वर नेम और सारी चीजें दिखा रहा है एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस तो जो भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है उससे रिलेटेड मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इधर देख रहे हैं जैसे बिल्टिन है कंप्यूटर्स है जो भी हम लोग कंप्यूटर अगर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर देखूंगा तो जो भी हमने क्लाइंट को ज्वाइन किया था जो कि विंडोज टेन पर था इंटरप्राइज एडिशन था वो यहाँ पर अवेलेबल है और वो चीज मैं यहाँ से उसका वर्जन और सारी चीजें देख पा रहा हूँ तो कंप्यूटर डिटेल्स और वो ऑब्जेक्ट इधर आपको देखने को मिल जाते हैं राइट इसके अलावा आप डोमेन कंट्रोलर इधर देख सकते हैं जहां पर आपके सभी डोमेन कंट्रोलर की डिटेल होगी बैक कर सकते हो या फिर यहाँ से आप अदर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो बट अभी इसका पार्ट हम लोगों के उसमें नहीं है अभी हम लोग अपने एडी डेटाबेस की सारी चीजें देखते हैं तो एडी के अंदर हमारे पास ये जितने भी ऑप्शन हैं, जो भी हमारे डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है ये जो आपने बनाया हुआ है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लाइक टेक टीम या फिर आपने एक और बनाया था मार्केटिंग के लिए सो दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और क्या है कैसे है रेस्ट ये आपने ओयू डिजाइन किया है या पहले से जो बना हुआ है यहां पर हमारे पास कंटेनर भी है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट की डिटेल्स होती है कंटेनर इज इज कलेक्शन बॉक्स बोल सकते हो पर ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर है कंटेंट है ये अब मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं यहां से डबल क्लिक करूंगा और ये हमारे पास कंप्लीट यूजर इन्वायरमेंट आ जाएगा जितने भी यूजर आपने बनाया है जो भी बनाया है वो सारी चीजें अब मान लिया कि मुझे एक मैं माई लैब डॉट कॉम पर आ जाता हूँ और मैं टेक टीम के अंदर आ जाता हूँ इसके अंदर एडम नाम से मैंने एक बनाया था अब मुझे एक नया यूज़र बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है और यहाँ से हम लोग ओ यू यूज़र ग्रुप्स एंड कंप्यूटर और अदर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं बट हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है यूज़र का तो जब हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप कर रहे थे फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल So uh, वहां पर दो तीन ऑप्शन हमें वन बाई वन फॉलो करके काम करना पड़ता था टू सेटअप अ कंप्लीट प्रोफाइल फॉर स्पेसिफिक यूजर वगैरह एडी बट विद द हेल्प ऑफ एडी सेंटर यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम अंगल पेज तो देखो कैसे क्या कर, क्या करना है सिंपल मैं एक यूजर बना लेता हूं लाइक डेमो ठीक है और मिडिल नेम इनिशियल नेम वट एवर देना है दे दो आप हाँ. लास्ट नेम कुछ दे सकते हो इट इज मैंडेटरी फुल नेम फुल नेम आपका आ जाएगा जैसे ही आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो भी चीजें फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाता है इट इज मैंडेटरी और यहाँ पर लॉग इन है तो लॉग इन नेम आप कुछ भी दे सकते हो है ना मैं सेम दे देता हूँ और मेरा एक मेल नेम भी क्रिएट हो जाएगा विच इज डेमो एट द रेट माई लैब डॉट कॉम राइट सो वाई यूजिंग ऑफ एक्सेंस सर्वर वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर credential for uh, login right and uh, you can set up a password for this user like uh, i'm creating a strong password with sign symbol numeric and everything job strong password key details say job is strong password, strong password. processor follow karenge एंड देन यू कैन सेट द लॉगन आर्स आर लॉग ऑन टू ये वही चीज है जो वहां से हम लोगों ने सेटअप किया था अलग डैशबोर्ड में जाकर बट ये यहीं से एक सिंगल पेज से ही आपका कंफ्यूगर हो जाता है ओके एंड ऑल्सो यू कैन सेटअप अ लॉग ऑन कंप्यूटर की स्पेसिफिक इस यूजर को किस कंप्यूटर पर लॉग इन कराना है ओके okay? तो ये भी चीज डिफाइन कर सकते हो आप एंड uh, यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड पॉलिसी है पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा और पासवर्ड को कभी एक्सपायर ना हो यूजर पासवर्ड चेंज ना कर पाए वही पॉलिसी इधर भी आपको देखने को मिल जाता से है रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये राइट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है वेर यू कैन मैनेज डिस्प्ले नेम वेर यू कैन मैनेज ऑफिस डिटेल ई मेल आई डी एंड वेब पेज इंफॉर्मेशन लाइक फोन नंबर होम पेज वट एवर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जॉब टाइटल डिपार्टमेंट किस आ, लेबल पर काम करने वाला ये बंदा है जो भी सारी चीजें हैं वो सब आप लोगों ने फिल किया फिल करने के बाद आप फाइनली इसको और कुछ मैंडेटरी पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा है वही सेम यूजर की सारी डिटेल आपको इधर फिल करना है पासवर्ड एंड सब कुछ नहीं रोमिन प्रोफाइल अभी हम लोगों को बनाना नहीं है ओके तो आई थिंक सब कुछ ओके डन कर देंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे डेमो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा और डेमो अकाउंट को आप क्या कर सकते हो लॉग भी कर सकते हो ओके तो ये एक सिंगल डैशबोर्ड से आपका लॉग इन प्रोसेस था बेस्ट हम लोग इसको और डिटेल में चेक करते रहेंगे और मैनेज करते रहेंगे ओके तो अदर इन्वायरमेंट के लिए अगर हम लोग देखें लाइक जो भी हमारे पास यूजर है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम लॉग इन होता है तो डोमेन अकाउंट से वो क्या कर सकता है अगर ये अपना आईपी या कुछ चेंज करना चाहे लेट मी लॉग इन द क्लाइंट फर्स्ट एंड यू कैन सी इफ यू वांट टू चेंज और इफ एडम एडम इज अ क्लाइंट ऑफ माई लैब डॉट कॉम तो अगर एडम कुछ चेंज करना चाहता है लाइक like एन सी पी ए डॉट सी पी एल ये कमांड है सो एज एजम इफ यू टू चेंज द प्रॉपर्टी फॉर नेटवर्क सेटिंग सो विल हैपन यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल अ सिक्योरिटी कंसर्न क्यों नहीं कर सकते आप क्योंकि आप आईपी नहीं चेंज कर सकते और एज अ लोकल यूजर एज अ क्लाइंट मशीन आपके पास लिमिटेड परमिशन होती है तो इसकी परमिशन कहां से हम लोग ले सकते हैं यहां का क्रेडेंशियल क्या होगा डोमेन कंट्रोलर का यूजर आईडी एंड डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम एंड पासवर्ड या हाँ या एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी हमारा मास्टर लेवल का डोमेन है तो हमें उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारा डोमेन है वो माई लैब है इसका यूजर नेम और पासवर्ड देंगे और यस yes कर देंगे तो आप चेंज कर पाओगे ये प्रॉपर्टी तो मतलब कि सिंपल पासवर्ड जैसे सॉरी ये ये जो पॉलिसी है लाइक डोमेन की, की आप नेटवर्क डॉक्टर की सेटिंग्स नहीं कर सकते सारी चीजें तो नहीं कर सकते दूसरा अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और डिलीट की प्रेस करता हूं तो मैं यहां पर देख सकता हूँ कि मैं चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ से ओल्ड पासवर्ड देता हूँ कंफर्म कर देता हूँ और एक नया पासवर्ड देता हूं और इसको भी कंफर्म करता हूं तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं ये भी हमारा एक डिफॉल्ट पॉलिसी हमारे सिस्टम पर लगा हुआ है और इस पॉलिसी के अंदर हमने ऑलरेडी बताया कि दे रखा है कि यूजर कांट चेंज पासवर्ड पासवर्ड नेवर एक्सपायर जो भी आपको डिटेल्स देनी थी एज पर डिटेल आप इसको अप्लाई कर सकते हो राइट बट राइट नाउ देर इज नो प्रशियल टू रिप्लेस योर पासवर्ड विथ एनी ओल्ड पासवर्ड सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द पासवर्ड फॉर माई लैब डॉट कॉम स्लैस एडम आर फॉर एडम यूजर सो यू नीड टू कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या करना पड़ेगा क्या जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करने की आई थिंक ऐसा टिकट आप लोगों के पास आता होगा बेसिक लेवल का ऐसा कुछ चीज होता है पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है पासवर्ड भूल गया रीसेट करना उसका है ना या फिर यूजर का लॉगिन आवर सेट करना है व्हाटएवर ऐसा टिकट आता है तो ये सारी चीजें हैं ओके okay, रेस्ट अगर मैं और कुछ चे, चेक करना चाहूं जैसे डिस्क मैनेजमेंट में चेक करना चाहूं सो यू डू नॉट हैव एक्सेस एक्सेस राइट टू आर राइट्स टू लॉजिकल डिस्क मैनेजर ऑन क्लाइंट वन मुझे थोड़ा सा इसका फॉन्ट जूम कर लेना है यस yes. हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ परमिशन डिनाई रहा है कि यू डू नॉट टू डिस्कनेजर ऑन क्लाइंट वन मींस आपके पास एक्सेस परमिशन नहीं है कि आप डिस्क uh, को मैनेज कर पाओ और कंफ्यूगर कर पाओ सो यू कैंट एक्सेसू वॉन्ट टू चेक द डिटेल अबाउट लाइक डिवाइस मैनेजर सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस डिवाइस मैनेजर क्योंकि डिवाइस मैनेजर भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है सिक्योरिटी के अंदर ये भी आएगा मीन यू आर लॉकडन स्टैंडर्ड यूजर यू कैन व्यू डिटिंग हमें एज अडमिस्ट्रेटिव चेंजेस लेना पड़ेगा तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं तो एडमिन चेंजेस हम क्यों दें क्लाइंट को है ना उसका क्रेडेंशियल क्यों दें और ये सारी चीजें सो यू कैन व्यू आप यहाँ से देख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स है मल्टीपल ऑफ डिटेल्स है आप देख सकते हो क्या है कैसे है बट आई थिंक यू आर नॉट अलाउड टू चेंज आर मैनेज एनी थिंग यहाँ पर सभी चीजें डिसबल्ड है तो आपको एडमिन प्रिवलेज लेना पड़ेगा और एडमिन प्रिवलेज या तो अपने लोकल एडमिन का आप ले लो या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर अप्रूवल So, ये अप्लाई कैसे हो गया वॉट इज द प्रोसेस और बैक एंड में जो भी हमारा डिफॉल्ट सेटिंग अप्लाई हुआ ये सब हम चेक कैसे कर सकते हैं What is the process? किसी को idea? क्यों ये अप्लाई हो जाता है कहीं तो पॉलिसी बनी होगी ना हमारे सर्वर के पास कि ये चीज अप्लाई हो जाएगा जैसे ही क्लाइंट लॉग इन करेगा राइट ग्रुप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी राइट तो अच्छा आप में से कभी किसी ने पॉलिसी मैनेज किया है कोई भी किसी भी टास्क से रिलेटेड यूएसबी ब्लॉक यूएसबी ब्लॉक ओके हम लोग भी करेंगे उसको बट अभी आई थिंक हम लोग डिफॉल्ट पॉलिसी अगर देखना चाहें तो क्या कोई बता सकता है क्या प्रोसेस है एक आंसर मुझे भी मिला ग्रुप पॉलिसी से येस यू कैन चेक द डिफॉल्ट पॉलिसी फ्रॉम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एवरी पॉलिसी यू कैन चेक फ्रॉम ग्रुप से आप देख सकते हो मैं जीपीओ को भी यहाँ पर उतना डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा एक अलग चैप्टर है और मिक्स नहीं करना चाहता बट जो हमारा ए डी लेवल का पार्ट है या जो ये फंडामेंटल पार्ट है ये मैं जरूर यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा दिस इज द फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब आप लोग समझ गए ना फॉरेस्ट मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन्स राइट यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल डोमेन का एक कलेक्शन होता है एंड दिस इज द माई लैब डॉट कॉम एंड माई लैब डॉट कॉम ये भी हमें इधर देखने को मिल जाता है माई लैब डॉट कॉम इज अ डोमेन वेयर यू कैन सी द डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी सेटअप आप इधर देख सकते हो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का सेटअप है सो दिस इज द लिंक्ड जीपीओ ये क्या हमारे पास एक लिंक्ड जीपीओ ये चैप्टर ध्यान देना ये पॉइंट ध्यान देना क्योंकि आगे जीपीओ में ये चीज दोबारा ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़े है ना थोड़ा सा आप लोग इसको केयर करेंगे तो मैंने क्या बताया कि दिस इज द लिंक्ड जीपीओ अब ये लिंक्ड जीपीओ क्या है क्योंकि ये जीपीओ ये जो लिंक जीपीओ है ये कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा बनाया गया होगा एंड देन उस जीपीओ को यहाँ पर लिंक किया गया है कि पर्टिकुलर जो भी पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर है या इस जीपीओ के अंदर है वो सभी हमारे माई लैब डॉट कॉम के एनवायरमेंट में सेटअप हो जाए क्लियर है इंक्लूडिंग माई डोमेन इंक्लूडिंग माई क्लाइंट्स ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाए ऐसा यहाँ पर लिंक किया गया है। डोमेन कंट्रोलर में आप देख सकते हो दिस इज द डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी ये भी हमारे पास एक पॉलिसी है जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर्स के लिए है और डोमेन कंट्रोलर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है कुछ भी हमें इसमें दिमाग लगाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने या इसके वेंडर ने सामने लिखा हुआ है कैसे क्या करना है यू कैन यू कैन रीड सिंगल लाइन टू क्लियर योर डाउट ओके तो यहां पर क्या लिखा डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अब देखो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी किसके अंडर में है डोमेन कंट्रोलर अब एक काम करते हैं आपको वापस लेकर आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पर ठीक है अब देखो किधर गया ये आ गया अब इसमें देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर अगर मैंने कोई पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैं इतना इजी कर देता हूं कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आपने किसी भी तरीके का पॉलिसी ऑब्जेक्ट सेट किया और आपने डोमेन कंट्रोलर के लिए अप्लाई किया तो डोमेन कंट्रोलर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है आपके एडीसी का और डीसी का तो कोई भी पॉलिसी जो कि आपने डोमेन कंट्रोलर के कंटेनर पर अप्लाई किया तो वो किसको अप्लाई होगा आपके डोमेन जो जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे क्लियर है सभी को जो डोमेन कंट्रोलर है वो यहां पर आपके दिख रहे हैं इस पर अप्लाई हो गया चले आगे अब आपको मैं पॉलिसी चेक करना बता देता हूं आपने एक मार्केटिंग का ओ यू क्रिएट किया था वो यहाँ पर है और सिंपल uh, मैं फिर से बोलूंगा जीपीओ में एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा बट थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ आगे हम लोग इसको पॉलिसी अप्लाई करना सीखेंगे मार्केटिंग का मैंने एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में सेक्शन प्रिपेयर किया था और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है वो इतने सारे यूजर के साथ है यहाँ पर हजारों हो सकते हैं दस बीस पचास सौ दो सौ हो सकते हैं ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सभी को आप जो भी पॉलिसी डिप्लॉय करना चाहते हो इस ओयू के पास या इस ओयू से उसको लिंक कर दो मतलब आप एक पॉलिसी बनाओ जैसे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर पॉलिसी बनाई जाती हैं जैसे मान लिये एक्स पॉलिसी वाई पॉलिसी जेड पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनाना है वो यहां से राइट क्लिक करके न्यू में जाकर अपना बना लो सेटअप कर दो जो पॉलिसी आपने बनाया वो यहां से लिस्ट में दिख जाएगा अब देखो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो है ये लिंक की गई है किसके साथ डोमेन कंट्रोलर और ये डोमेन कंट्रोलर पर अप्लाई हो जाएगा बट हाउ यू कैन चेक द डिटेल अबाउट पॉलिसी ऑब्जेक्ट की क्या पॉलिसी उसके अंदर है आप सेलेक्ट करो किसी को भी और जस्ट आप यहां से डिटेल्स में आ जाओ यहां से डिटेल्स तो कुछ क्रिएशन डेट एंड डिटेल्स आ रही है नो प्रॉब्लम रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कह रहे हैं यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और फिर आप देख पाएंगे कि क्या क्या पॉलिसीज आपको देखने को मिलता है सो आई थिंक यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है डिटेल्स और हमारा जो डोमेन है वो है माई लैब डॉट कॉम ओनर है इसका माई लैब स्लैश डोमेन एडमिन जो भी डोमेन एडमिन के यूजर हैं उन सभी के पास ओनरशिप है इसकी और भी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड कर दो इसको तो ये हमारे पास क्या है जनरल इंफॉर्मेशन है दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फिल्टरिंग क्या करी गई है वो आप देख सकते हो डेलीगेशन क्या है वो देख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पर सेटिंग्स पॉलिसी होती हैं नो नीड टू डिपेंड आई एवरी पॉलिसी ओके क्योंकि आप एक बार में सब नहीं समझ पाएंगे वन बाई वन विथ प्रैक्टिस आप समझ पाएंगे नेक्स्ट हमारे पास दो तरीके की पॉलिसी होती है है ना मेन पॉलिसी हमारा क्या होता है दो तरीके का होता है दिस वन कंप्यूटर वो कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी एंड यूजर बेस्ड पॉलिसी तो ये हमारे पास दो पॉलिसी ऑब्जेक्ट है अगर कंप्यूटर के लिए हम लोग पॉलिसी देखें सो व्हाट इज द डिटेल विंडोज सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग है यूजर राइट आर राइट्स असाइनमेंट जो है हमारे पास जो भी पॉलिसी दी गई है वो यहां पर है सो दीज आर द राइट्स असाइनमेंट ओके तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मैं इसको हाइड करता हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर डोमेन कंट्रोलर डोमेन मेंबर्स माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सर्वर ये कुछ पॉलिसीज हैं तो देख सकते हैं जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन चेक अप्लाइड पॉलिसी फॉर कंप्यूटर एंड अप्लाइड पॉलिसी फॉर यूजर ओके क्योंकि ये डिफॉल्ट हमारे सर्वर से अप्लाइड हो जाती हैं तो कंप्यूटर के लिए तो ठीक है मैंने देख लिया बट वट इज द प्रोसेस अबाउट यूजर अब हमने यहाँ पर एक एडम यूजर लॉग इन किया और एडम को मैंने बताया कि वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा है तो हम यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और यूजर कंफिग्रेशन देखे तो कोई ऐसी तो हमारे पास एक डिफॉल्ट पॉलिसी और है जो की डोमेन कंट्रोलर की है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर और यूजर की कोई पॉलिसी नहीं है तो कंप्यूटर की जो पॉलिसी है कंप्लीट डोमेन ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन आ रही है बट अगर मैं इसके साथ लिंक करता हूँ तो ये पूरी टॉप लेवल की हैर की है और ये अपने इन्वामेंट में सभी के लिए अप्लाई हो जाता है तो मैं इसके लिए इसको ओपन कर लूं या फिर इसको ओपन कर लूँ यही वाली पॉलिसी क्या किया गया है यहाँ पर लिंक किया गया है ठीक है जैसे अगर मैं राइट क्लिक करके लिंक जीपीओ करूं तो देखो ये दो पॉलिसी हैं तो इस वाले को यहाँ पर लिंक ऑलरेडी किया गया अगर मुझे दोबारा लिंक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ठीक है तो इसको मैं एक्सपेंड करूं और सेटिंग्स में आ जाऊं अब यहाँ पे हमारे पास है विंडोज सिक्योरिटी और ये हमारी पॉलिसी है मैंने क्या बताया कि यूजर के पास कुछ क्रेडेंशियल कुछ लिमिट कुछ बहुत सारी डिटेल्स होती है जो अप्लाइड होती है बाई सर्वर तो कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी आपने देखा अप्लाइड है और हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में भी कंप्यूटर्स के लिए वही सेम पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें अप्लाइड है प्लस कंप्यूटर कंफिग्रेशन का एक अलग सेक्शन है जहां पर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी है जैसे अकाउंट पॉलिसी पासवर्ड है यहाँ पर जिसके अंदर आप एक्सपेंड करके देख सकते हो कि वट इज द डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाइड फॉर कंप्यूटर जो कि इसके डोमेन को ज्वाइन करते हैं माई के तो उसके कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में क्या पॉलिसी डिप्लॉय होता है माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट सेटअप कर रखा है इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री ट्वेंटी फोर पासवर्ड रिमेंबर ठीक है मैक्सिमम पासवर्ड एज हमारा फोर्टी टू डेज है विद इन फोर्टी टू डेज यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड अदरवाइज पासवर्ड हमारा वीक हो जाता है ना तो एक तरीके का एज है वो राइट जो कि स्ट्रॉन्ग एज होता है मिनिमम पासवर्ड एज वन डे आपको रखना पड़ेगा और पासवर्ड uh, लेंथ आपका सेवन कैरेक्टर का है और पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट मींस आपका पासवर्ड साइन सिम्बल सबके साथ अप्लाई किया जाता है वो यहीं से सेटअप स्टो पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन ये एक बहुत बढ़िया मेथड है और uh, आपने कभी भी विंडोज सेवन एट टेन भी पढ़ा होगा तो उसमें रिवर्सिबल मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे आप इसको इस्तेमाल करते हो पासवर्ड हिस्ट्री कैसे आप रिकॉल करते हो तो ट्वेंटी रिमेम्बर करने के लिए कह रहा है आप तीन पासवर्ड चार पासवर्ड प्रीवियस वन पासवर्ड रिमेंबर कर दो तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि कभी कोई पासवर्ड आपने दे रखा और दोबारा वही पासवर्ड आप देना चाहते हो कभी कभी आप ऑनलाइन किसी अकाउंट में भी देखा होगा आप लोगों ने कि आप एक्स पासवर्ड अप्लाई देखे कर चुके हो हाँ एक्स पासवर्ड अप्लाई कर चुके और दोबारा जब दूसरा पासवर्ड देते हो और जब उसको रिपीट करना चाहते हो अगेन सेकेंड टाइम तो बोलता है कि ये पासवर्ड ऑलरेडी में और हमारी पॉलिसी के बाहर है तो मैं ऐसा पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये पासवर्ड पॉलिसी के एल्गोरिदम का ही पार्ट है तो सर्वर पर वो डिनाई हो जाता है कि आप पिछला दिया हुआ पासवर्ड अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा गेटिंग माई पॉइंट हेलो ओके क्योंकि देखो अगर हम लोग इसका फ्रंट एंड पार्ट समझें तो शायद ऐसा है बैक एंड में हम लोग कोई डेवलपर नहीं है बट एज पर माई ओपिनियन मैं ये बोल सकता हूं कि जब हम कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं ना अपने डैशबोर्ड में अपने सर्वर पर अपने किसी भी कंसोल के अंदर तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे बैकेंड में सर्वर के डेटाबेस में किसी ना किसी लोकेशन पर जाकर सेव होता है राइट और अगर मैंने एक्स पासवर्ड पहले सेव कर रखा है और उसका एक इंक्रिप्शन मेथड वहां पर अप्लाई है और उस समय के बाद मैं दोबारा करता हूं तो सोचो कि वो एक तरीके का कंफ्लिक्ट uh, करेगा ना प्रॉपर्टी दोनों की प्रीवियस वन एंड न्यू वन कन्फ्लिक्ट करेगा और एज पर सिक्योरिटी कंसर्न हमारी मशीनें अलाउ नहीं करती ऐसा कुछ तो शायद इस वजह से इसको क्या किया गया ऐसा रखा गया है डिफॉल्ट पॉलिसी में बट यू कैन रिमूव दिस सेटिंग आप अगर नहीं देना चाहते और आप उसको हटा सकते हो इसी में एक और पासवर्ड डिटेल होती है लाइक थ्रेशोल्ड का पासवर्ड थ्रेशोल्ड का पासवर्ड थ्रेशोल्ड मतलब आप समझते हो अभी शायद इसमें कहीं जुटेंगे हाँ लिमिट जैसे हम लोग मोबाइल में दो तीन बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो दस सेकंड के लिए तीस सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाते हैं सही पासवर्ड देने के बाद भी एक्सेस नहीं कर सकते टाइमर दिखाता है तो एक थ्रेसोल्ड होता है कि अगर कोई हैकर अटैकर ब्रूट फोर्स कर रहा है और मल्टीपल पासवर्ड एलगोरिदम ट्राई कर रहा है तो कितने अटेम्प्ट पर वो पासवर्ड डिसेबल हो जाए अगर वो उसका सही पासवर्ड भी हो तब भी वो काम ना करे ऐसी सेटिंग पर इनेबल करके रखी जाती है सर्वर पर और, और भी चीज यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द लॉग इन थ्रेसोल्ड मैंने जीरो इन वैली लॉग ऑन अटेम्प्ट बता रखा है है ना तो अभी ये डिसेबल वैल्यू है अभी ये एक्टिव वैल्यू नहीं है आप अगर यहाँ पर टू थ्री फोर देना चाहते हो और उतने अटेम्प्ट अगर आप करवाएंगे बाई क्लाइंट बाई सर्वर बाई एनी यूजर वो इनवैलिड कर देगा उसको ठीक है और आप मोबाइल पर एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पर सब लोगों ने किया होगा नहीं किया है तो अभी बैच के बाद आप देखना आप एक दो बार टैप करना गलत पासवर्ड डालना दस बीस सेकेंड के लिए तीस सेकेंड के लिए आप सही पासवर्ड भी नहीं यूज करें कर पाएंगे आप यूज़ करेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक टाइमर मांगता है कि तीस सेकंड तक वेट करो पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया थ्रेशोलोल्ड दोबारा से कंप्लीट कर लिया तो फिर वो बोलेगा कि सेकेंड थ्रेश में हम लोग तीस मिनट के लिए ब्लॉक कर देंगे दस मिनट के लिए ब्लॉक कर देंगे उतनी देर तक आप उस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते है ना किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हालांकि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स बहुत से ऐसे आते हैं जिसके थ्रू आप उसको पूरा रीसेट कर सकते हो

देखेंगे आई थिंक डीएनएस के साथ इसका एक आता है ऑथेंटिकेशन uh, so, uh, डिमांड करता है सिंपल राइट right? तो एक करबरोज वर्जन फाइव लेटेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है आई थिंक अगर कोई नया आर नहीं आया होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हो यूज कर सकते हो देख सकते हो सो दीज आर द ऑथेंटिकेशन बेस्ड पॉलिसीज आप देख सकते हो ना दीज आर द ऑथेंटिकेशन बेस्ड पॉलिसीज नेक्स्ट आप यहाँ पर लोकल पॉलिसीज नेटवर्क एक्सेस में हमारा क्या है वो देख सकते हो डिसेबल है सिक्योरिटी में रिलेटेड हमारा लैंड और वट एवर कुछ वैल्यूज हैं एनेबल है कुछ डिसेबल है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं तो ओवरऑल हमारे क्लाइंट को ज्वाइन करते ही ये सभी पॉलिसी उस पर क्या हो जाती deploy है एक साथ डिप्लॉय होते हैं वर्किंग में होते हैं और यूज के एनवायरमेंट में नहीं आते तो वो पॉलिसी अगर हमारे पास डिफॉल्ट सर्वर द्वारा डिप्लॉय है और ये सारी चीजें द्वारा तो उसको एज इट इज रहने दो रेस्ट आपके पास अपना खुद का ओयू है अपना खुद का जीपीओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है और वो सब कुछ आप यहाँ पर क्रिएट और मैनेज कर सकते हो क्लियर है यहाँ पर कुछ फंडामेंटल समझ में आया सभी को एक्टिव डायरेक्टरी का और हेलो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कोई अलाउड तो ओके तो ये कुछ ऑप्शन रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का और एक और यहाँ पर हम लोग ऑप्शन आ जाते हैं लाइक इन्वायरमेंट चेक करने के लिए जैसे टूल्स में आकर एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज तो ये भी जस्ट मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज को और जब हम लोगों ने डीसी बनाया सीडीसी बनाया तो हम लोगों ने क्या किया था एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट किया था और मैंने एक मुंबई साइट बनाया था सबको याद है और इस मुंबई साइट पर हां जी और इस मुंबई साइट पर हमने किसको लॉगिन किया था सीडीसी को या एडीसी को

बहुत सारी चीजें चेंजेस करने से हमारा सर्वर सिंक्रोनाइज होने में समय लेता है राइट ओके तो जरूरी नहीं नहीं हर चीज कर, -कर के देखा जाए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है आपको रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है आपको अगर कोई नेम चेंज करना है तो रीनेम कर दो रेस्ट ऑफ सर्वर का ट्वेंटी फोर आवर्स थ्री आवर्स टू आवर्स डाउन टाइम लेकर जो भी अपडेट आप दे रहे हो शायद हर जगह अपडेट हो जाए सिंक होना पड़ता है ना मल्टीपल डोमेन जितना बड़ा हमारा डोमेन होगा कोई भी सर्विस अपडेट के बाद सिंक होने में ऑप्टिमाइज होने में या लाइव रन होने में कहीं कही ना कहीं समय तो लगेगा सब right? yes, तो सर्वर में वैसे भी अगर कोई सर्विस आप कन्फिगर करते हो न्यू सर्वर और इसके साथ भी तो अप्रोक्स वन ट्वेंटी मिनट आर मिनिमम टू आवर्स का डाउन टाइम लेकर चलो तो ये सब है बट यू कैन चेंज अब जब मैं इसके अंदर आकर चेक कर रहा हूँ तो आई सर्वर विच इज डोमेन कंट्रोलर विच इज रूट लेवल डोमेन एंड दिस इज दिन ये दोनों यहाँ पर है कुछ हम लोगों ने कुछ सेटअप नहीं किया है कॉन्सेप्ट कि कैसे हमारा एडी का पूरा आर्किटेक्चर तैयार हुआ तो मैंने यहाँ पर जब डिफॉल एक अनदर सर्वर बनाया पहले सेकेंड चाइल्ड पर आ जाते हैं और चाइल्ड नेम से मैंने उस सर्वर का नाम दिया दिस इज द मशीन नेम और होस्ट नेम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम नहीं है ये मींस पूरा नेम नहीं है बट ये हमारे कंप्यूटर का रीनेम किया हुआ जो भी ऑप्शन है उसका आई थिंक ये डिटेल दिखा रहे यहाँ पर देखो हमारे पास सर्वर uh, डीसी और एडीसी लिखकर आया है ना ये कैसे मैं कंफर्म करूँ आप यहाँ पर देखो लोकल सर्वर में देखो डीसी है दूसरे बारे पर ए है और ऐसे करके ठीक है तो वो चीज यहाँ से आप डिफाइन करो तो हमारे पास जो मुंबई साइड चाइल्ड डोमेन था इसके अंडर में हमारे पास एक एन डीएस की सेटिंग है क्लियर है हेलो एनटीडीएस में मैंने आ, एक इससे पहले के कुछ सेशंस में डिस्कस किया था व्हाट इज एनटीडीएस एंड ऑल तो एंड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो एनटीडीएस सेटिंग हमारा क्या स्टोर कर रहा है यहाँ के लिए अगर हम लोग देखें डिफॉल्ट साइट के लिए जो भी हमारा कनेक्शन है सो इट स्टोर और इट मैनेज सेटिंग्स फॉर इंटर साइट रेप्लीकेशन जो भी हमारी साइट टू साइट रेप्लीकेशन डिटेल है वो ये मैनेज करने का काम करता है जो भी हमारा स्केड्यूल होता है डोमेन के बीच में रेप्लीकेशन का डेटाबेस का वो सब यहाँ पर क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन और उसके साथ रेप्लीकेट करता है ओके okay? और जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है रिलेटेड वर्क पोर्टल एंड ऑल वो सब यहाँ पर मैनेज करता है जहां पर हमारा एक डोमेन कंट्रोलर क्या होता है कोई भी अगर अपडेट पुल करता है और दूसरी साइट के लिए कोई चेंजेज होता है तो ये यहाँ से क्या होता है कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है रेप्लीकेशन होता है और रेप्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ से दूसरे डोमेन पर दूसरे से यहाँ के लिए कुछ अगर डेटा या रेप्लीकेशन करना है तो वो चीज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं तो ये अभी हमारा क्या होता है एन टी डी एस सेटिंग लोकेट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज नेटवर्क नेटवर्क रिलेटेड और रिसोर्सेज सेटिंग्स ओके तो ये सारी चीजें हैं ये यूजर ग्रुप सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर एंड पासवर्ड इन सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एन टी डी एस की सेटिंग से स्टोर कर करके रखता है इंफॉर्मेशन को ये सब अब अगर हम लोग देखें कि जो रेप्लीकेशन का टाइम है बिटवीन वन मशीन टू अनदर मशीन और वन डोमेन टू अनदर डोमेन सो वट इज द टाइम डिटेल एंड Other तो अगर हम लोग यहां से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें तो ये हमारा सर्वर जो है डीसी है और इसका साथ, साथ, साथ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल या डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रेप्लीकेट करना चाहते हो तो यू कैन the टारगेट साइट एंड योर साइट

और ए डी डी एस देर इज नो नीड टू चेंज दिस चेंज स्केड में स्पेसिफिक स्केडो कब है एक संडे को दिया हुआ है आई थिंक फिर हमारे पास एक और समय है तो आई थिंक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है कि कितने बजे पर ये रेप्लीकेट करे कितने बजे पर इतने बजे पर इतने बजे पर, पर तो टाइम डिटेल दिया हुआ है और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो protect object from accidental deletion यहाँ पर भी आता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट होने से बचा सकते हो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है जरूर कर लेंगे सिक्योरिटी एट्रीब्यूट कहीं कुछ नहीं जाना है सो दीस आर द एट्रीब्यूट्स जो कि प्री सारे सेट होते हैं और ये हम लोग देख रहे हैं so तो अगर मैं इस पर राइट right क्लिक करता हूं तो हमें कुछ और ऑप्शन मिलता है अगर मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूं तो हमें कुछ ये ऑप्शन मिलता है बट ऑलअर डोमेन्स के लिए देखो ये क्या कह रहा है कि सभी दो डोमेन्स के लिए रेप्लीकेशन है बट अगर मैं राइट right क्लिक करके इसका रेप्लीकेट ना कर दूं और मैंने जिस भी डोमेन का वहां पर डिटेल्स एड किया था वो उसके तर साथ अबाउट ऑब्जेक्ट आर एन टी डी एस तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि ये रेप्लीकेट कर रहा होगा और इट विल टेक टाइम थोड़ा समय लेगा तो रहने देते हैं ये साइट की इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी चाइल्ड साइट दिल्ली में है वो मुंबई में है और हमारा जो साइट है वो मेन साइट मुंबई दिल्ली में है तो हम लोग दोनों के बीच में सर्वर के एन के डेटाबेस को और करवा सकते हैं ये चीज़ आप यहाँ से हायर से सेलेक्ट कर सकते हो इसका एक टाइमर भी होता है सब कुछ होता है मैं दिखाता हूँ हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी तो वही चीज़ आ रहा है बट राइट क्लिक करके सॉरी राइट क्लिक करके और अगर टाइमर यहां से हमारा नहीं आ रहा है तो हम लोग यहां से सेट कर लेते हैं लाइक एन डी एस और इसकी प्रॉपर्टी तो ये देखेंगे हमारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है ग्लोबल कैटलॉग जी सी क्या है ये भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी कनेक्शन हमारा डीसी के साथ है बाकी कुछ आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है तो ग्लोबल कैटलॉग टिक मार्क होना चाहिए है ना? ग्लोबल कैटलॉग बोल सकते हो कि इट इज अ ट्री ओके जो कि हमारे डोमेन्स के लिए एक तरीके का रेपोजिटरी है जो काम करता है और अगर मैं सर्वर पर राइट क्लिक करूँ और सर्वर पर मैं देखूँ ये चाइल्ड डोमेन के लिए इसकी प्रॉपर्टी ओपन करूं तो अगेन मुझे कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलेगा विथ पेशेंस आप चीजों को ऑब्जर्व करो सीखो देखो सेटिंग और कंफ्यूग्रेशन से जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ज्यादा आप डोमेन को मैनेज कर पाओगे और किसी भी छोटे छोटे टास्क को आप जस्ट क्लिक करके मैनेज कर पाओगे तो यहाँ पर देखो हमारा चाइल्ड प्रॉपर्टीज दे रहा है और हमारा चाइल्ड जो है वो है चाइल्ड वन डॉट माई लैब डॉट कॉम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है आईपी बेस्ड ये रेप्लिकेशन और उसके लिए है तो सारा सेटअप है हमें कुछ करना नहीं है ओके okay, कर दो आप इसको टाइमर का मैं डिटेल जस्ट सर्च कर रहा हूँ और टाइमर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टाइमर है नहीं है तो किधर गया टाइमर ओके आई थिंक मुझे ये डिटेल्स देखने को ऐसे नहीं मिल रहा है बट और मैं इसको देखता हूँ इसमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं मैं चेक करके आपको प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि आप जस्ट यहाँ से क्या कर सकते हो अपना साइट डेटाबेस प्लान कर सकते हो साइट रेप्लीकेशन प्लान कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट अदर लोकेशन पर साइट लॉग इन कराना चाहते हो कर सकते हो ये सब मैनुअली भी आप कर सकते हो अच्छा मैं एक चीज और दिखा दू कि अगर कोई साइट पर मैं काम कर रहा हूँ सेकेंड साइट हमारा है और उसका मुझे आ, एड्रेस लॉजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे सबनेट असाइन कर सकता हूँ या सबनेट कैसे सेट कर सकता हूँ राइट right? तो सबनेट के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो जस्ट सॉरी सबनेट पर राइट right क्लिक करो और न्यू में आकर एक सबनेट uh, आप यहाँ से सेट कर सकते हो तो मान लिया कि मेरा जो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट है ये हमारा जो है फिफ्टी जीरो जीरो फिफ्टी पर चल रहा है तो इसके लिए मैं एक सबनेट डिफाइन कर सकता हूँ वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ इट विल हेल्प यू टू मैनेज द रिसोर्सेसो जीरो जीरो स्लैश एट और मैं इसको डिफॉल्ट फर्स्ट साइट के साथ लेकर जाऊंगा ये सबनेट वैल्यू आपको देना है आपको एड्रेस वगैरह नहीं देना है किसी भी तरीके का और इसको जस्ट आप ओके okay कर देंगे ओके okay? तो अब यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास एक सबनेट है और मैंने default site के लिए वो subnet prepare किया है। में हमें समय और सारी चीजें देना होगा अब देखो एनटीडीएस यहाँ पर डीसी क्या कर रहा है डीसी एनटीडीएस के साथ देखो यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रॉम साइट टू ये सब कुछ डेटा ऑटोमेटिक कनेक्ट और मैनेज कर रहा है Rest अगर मैं और यहां से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आऊ या फिर मैं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट पर प्रॉपर्टी चेक करू नहीं आ रहा है बट कोई नहीं आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आओगे आपको सबनेट डिटेल मिल जाएगा तो कभी भी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की जो साइट्स है उसका सबनेट अगर प्लानिंग आपने कर रखा है सो यू कैन इजली आइडेंटिफाई सबनेट वैल्यू और इट विल हेल्प यू टू मैनेज द टारगेट और बोल सकते हैं कि आपको सामने वाले को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है तो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं आप इधर मैनेज कर सकते हो बना सकते हो इवन देन आप ट्रांसपोर्टेशन uh, और सारी चीजों के लिए एक समय सेट कर सकते हो यही मैं सेट कर चेक कर रहा था और अब जाकर मुझे मिला सो यू कैन सी द कॉस्ट इज हंड्रेड एंड द एप्लीकेशन इंटरवल इज वन एटी मिनट आई थिंक ये क्या है यहाँ पर वन एटी मिनट तो ये जो रेप्लीकेशन है रेप्लीकेट एवरी वन एटी मिनट पर ये क्या करेगा जिस साइट मतलब डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम यानी कि डीसी और मुंबई साइट आपस में क्या करेंगे रेप्लीकेट करेंगे तो अगर मान लिया कि आपने कोई एन टी right. सर्वर की कोई ऐसी सेटिंग आपने कर रखा है जो कि एन और उसके ऑब्जेक्ट या डेटाबेस की है तो मे भी हमें इतने समय तक वेट करके काम करना पड़े इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं या कोई सर्वर की सेटिंग करते हैं तो एक डाउन टाइम लिया जाता है कि हमारा सर्वर इस सेटिंग को या इसका डीएनएस सेटअप करने में या इसका एक्स सर्विस एनेबल होने में इतना समय लेगा और फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये समय है, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो स्केड्यूल कर सकते हो स्पेसिफिक डेट टाइम के साथ पर्टिकुलर वीक में कितनी बार ये सब कुछ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो राइट तो आपने दो चीज यहाँ पर समझा पहले डिफॉल्ट हमारे पास जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट प्लान हो जाता है जैसे ही हम लोग एडी और डीसी सी डी सी एडीसी बनाते हैं और क्लाइंट को लॉग इन करते हैं हमारे पास एक साइट डेटाबेस प्लान हो जाता है ऑटोमेटिक जो कि हमारा रेप्लिकेशन को डिफाइन करता है किस साइट का किस साइट के साथ डेटाबेस रेप्लिकेशन है है ना एक्टिव डायरेक्टरी का एप्लीकेशन और ये सारी चीजें वो उधर हमें देखने को मिल जाता है होप यहाँ तक जो ये थ्योरी था बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं था हम लोग आई थिंक समझ गए होंगे सारी चीजें क्लियर है सभी को यस yes, ओके यस सर वो सबनेट क्यों यूज होता है वहां पे देखो सबनेट मतलब ही होता है कि स्पेसिफिक नेटवर्क या हम लोग बोल सकते हैं यू कैन डिफाइन द नेटवर्क वैल्यू आर आईपी वैल्यू ऐसे कुछ हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग अगर एक्स साइट चला रहे होते हैं या एक्स ब्रांच रन कर रहे होते हैं तो उसका एक सबनेट होता है ना उसका एक नेटवर्क आईडी होता है और उस नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल करके हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने होस्ट को 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 टारगेट सर्वर है कि नहीं तो डिफाइन कर देगा कि हमारा इतने नेटवर्क बिट पर काम हो रहा है ओके okay? जैसे okay. हमें यह पता तो चलना चाहिए कि सेकेंड साइड जो है वो टेन जीरो जीरो टेन पर चल रही है टेन जीरो जीरो की साइड पर चल रही है वन नाइनटी टू पर और हमारे डेटाबेस के अंदर उसी से रिलेटेड क्या कोई क्वेरी आई है या फिर किसी आईपी की क्वेरी रखी हुई है या डिटेल में दिख रही है राइट सो वाइल मॉनिटरिंग ये सब चीजें फैक्ट करती हैं कही कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं आपको सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में है ना और अपने डेटाबेस को प्रॉपर मैनेज करने में अपने साइट को एक्सेस करने में अब एज अ रूट सर्वर से आप लॉग हो आपके पास ये सारा कुछ एक्सेस करने की परमिशन है सो so, आप साइट का अगर नेटवर्क आईडी देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे है ना एक एक ये भी कंसोल हमें मिल जाता है यहां से हम लोग देख सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट ये हमारा साइट क्या है कैसे है कैसे काम कर रहा है तो सबनेट यही चीज होता है सबनेट डिफाइन नेटवर्क एंड होस्ट वैल्यू फॉर स्पेसिफिक ब्रांच और फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क उसके लिए वो डिफाइन करके बताता है क्लियर है साइट रेप्लीकेशन भी हमारा कितने मिनट के इंटरवल पर होता है मिनट के इंटरवल पर होता है प्रायोरिटी भी डिफाइन होता है, है यहाँ पर कि कितना टाइम इंटरवल और किस सारी चीजों पर अप्लाई हो कितने समय पर डेटा सेंड हो रिसीव हो तो इनका एक फंक्शन एक सेट किया गया जस्ट ओके okay? आप वहां से चेंज करना चाहें कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रूट डिसीजन और इन सारी चीजों में कॉस्ट वैल्यू का काफी रोल प्ले होता है बट वो हमारे प्रीडिफाइन रोल हैं। आई थिंक अभी आपको एज पर एडमिनिस्ट्रेटर एज पर बिगनर लेवल एंट्री एज ए नेटवर्क एज ए सर्वर इंजीनियर आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी राइट right? और किसी को कोई क्वेरी मैक्सिमम इंटरव्यू में जो क्वेरी या क्वेश्चन होते हैं इससे कोई कुछ पूछ रहा था क्या सर वो पूछा थोड़ा हार्ड जा रहा और मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में अगर आप एडी से रिलेटेड प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे है ना हम लोगों ने इस पर पूरा लगभग में पाँच छः लेक्चर लिया हुआ है पाँच छः क्लासेस लिया हुआ है तो इसको अच्छे से देखना समझना एंड जब भी आप लोग एक एडमिन यानी कि एम से या एजियो एडमिन के लिए इंटरव्यू पर जा रहे हो तो ये सभी पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए साइट क्या होता है इंटरवल टाइम है कॉस्ट वैल्यू है ए, हमारा कंटेनर क्या होता है हमारा जो एक्सीडेंटल डिलीशन ऑब्जेक्ट को सिक्योर कैसे करते हैं या फिर हमारा यूजर्स क्या होता है ग्रुप्स क्या होता है डोमेन पॉलिसी कहाँ से चेक करते हैं जीपीओ का डिफॉल्ट पॉलिसी क्या क्या अप्लाई होता है वो कहा से कौन से कंसोल से देखते हैं अगर इनकेस प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो थ्योरी तभी याद हो पाएगा क्योंकि तो इतना ज्यादा इसके अंदर थ्योरी है और सब प्रैक्टिकल के साथ ही निकल कर आता है पॉसिबल ही नहीं कि आप एमसीएसए मुझे तो नहीं लगता कि अगर एमसीएसए में प्रैक्टिस नहीं होगी तो थ्योरी याद हो पाएगा ऐसा है क्या लग रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा है तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से ही वो चीज क्लियर होनी है है ना ओके okay, और कोई क्वेरी किसी का तो मैं क्या करने वाला हूँ अब क्लास को एंड करते हैं कल मिलेंगे